Hey guys, welcome back to my new another video. तो guys, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग सा होने वाला है क्योंकि यार मैंने कुछ ड्रॉइंग मटेरियल्स को अपग्रेड करा है, प्लस में कुछ न्यू एक्सपेंसिव ड्रॉइंग मटेरियल्स मैंने मंगवाया है, तो काफी मजा आने वाला है इस वीडियो में और काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप लोग के लिए। सो गाइज, बात ऐसा है कि अगर आप लोग की स्किल्स अच्छी है, आप लोग काफी अच्छा ड्रॉ कर लेते हो, अगर आप लोग अभी भी नॉर्मल पेपर नॉर्मल पेंसिल का यूज करके ड्रॉ करते हो, लाइक मैं अभी फिलहाल करता ही था, तो फिर आप लोग को बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप लोग भी अपने जो ड्रॉइंग मटेरियल्स है उसको अपग्रेड करो, कुछ अच्छे ड्रॉइंग मटेरियल्स परचेज करो, तो आपकी स्किल्स और भी ज्यादा जल्दी से ग्रोथ होगी। तो फिर ये मैं सोचा, अपने आप में काफी सोचा, तो फिर मैंने ड्रॉइंग मटेरियल्स को अपग्रेड करा, कुछ नए नए ड्रॉइंग मटेरियल्स, एक्सपेंसिव ड्रॉइंग मटेरियल्स मैंने परचेज करा। सो गाइस, ये जो न्यू ड्रॉइंग मटेरियल्स मैंने मंगवाया है वो किसी बॉक्स में आता है, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा। तो गाइस, मेरे से रहा नहीं जा रहा था, मैं सभी को अनबॉक्स कर लिया फटाफट, क्योंकि यार जो न्यू ड्रॉइंग मटेरियल्स कभी भी आता है तो उसको देखने का इच्छा यार आप लोगों को पता ही होगा कितना जल्दी देखने को मन करता है, तो फिर मैंने सारा अनबॉक्स कर लिया था। तो गाइस, इस वीडियो में यार आप लोगों को डायरेक्ट देखने को मिलेगा, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग सा होने वाला है। और गाइस, जो भी नए व्यूअर्स यार फर्स्ट टाइम आओ या फिर रेगुलर व्यूअर्स हो मेरे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा मेरे चैनल को, तो कर लेना यार, एक मोटिवेशन मिलता है, प्लस में आप लोग बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, क्योंकि यार जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिल जाएगा। और अगर आप लोग भी परचेज करना चाहो तो जो भी मैं ड्रॉइंग मटेरियल्स परचेज कर रहा हूं सारा का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो फिर आप लोग वहां से परचेज कर सकते हो। मैं अमेजोन से परचेज किया हूं। ज्यादा बोर ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो फाइनली गाइस, सेटअप पे आ चुका हूं, यहां से आप लोग को अच्छे से दिखेगा। सो गाइस, बात करते हैं यार, सबसे इंपॉर्टेंट तो रहता है वो पेपर और पेंसिल यार, तो मैं अपग्रेड कर रहा हूं और तो फिर काफी मजा आने वाला है इस वीडियो में देखना। और आप लोग भी अगर परचेज करना चाहो तो मैं अभी फिलहाल उसका जो प्राइस है वो नहीं बताऊंगा, आप लोग जाके देख लेना, क्योंकि यार मुझे भी उतना याद नहीं है कि किसका कितना प्राइस है, तो आप लोग को मैं सारा लिंक दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां से देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं पेपर की बात करता हूं यार, पेपर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो देख सकते हो मैं ये वाला पेपर मंगवाया हूं, जो कि ये ब्रूस्टर ड्रॉइंग पेपर, हैवी वेट मीडियम सरफेस, तो ये कुछ है, और इसमें 40 प्लस 10 सीट है, 10 फ्री सीट है, 40 तो जो नॉर्मल रहता है वही है और 10 फ्री सीट्स है, और देख सकते हो ऐसा कुछ है, और काफ़ी मस्त पेपर है, A4 साइज का है, 200 GSM का है। तो अगर आप लोग काफ़ी इस पेपर के बारे में नाम सुने होंगे, क्योंकि यार मैं भी काफ़ी आर्टिस्ट को देखता हूँ यार ये वाला पेपर पे यूज करते हैं, ये वाला पेपर को यूज़ करके इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टवर्क्स ड्रॉ करते हैं, तो मैं भी सोचा यार क्यों ना मैं भी परचेज करके देखूँ इसमें कैसा आर्टवर्क होता है, और फिर इसका भी जल्दी मैं रिव्यू लेके आऊँगा, इस पेपर पे भी मैं एक आर्टवर्क ड्रॉ करूँगा। तो गाइस यार, अब आते हैं ग्रेफाइट पेंसिल पे, मैंने कौन सा ग्रेफाइट पेंसिल परचेज करा है और कैसा है मैं दिखाता हूँ आप लोग को। सो गाइज, मैंने ये वाला ग्रेफाइट पेंसिल परचेज करा है, जो कि देख सकते हो ब्रूस्टो फाइन आर्ट ग्रेफाइट पेंसिल्स, जो सेट ऑफ 12 है, और ये भी काफ़ी अच्छा पेंसिल है यार, काफ़ी नाम ही है, और इसे भी काफ़ी आर्टिस्ट को, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट को यूज करते हुए देखा हूँ, तो इसलिए मैंने इसे परचेज करा। और ऐसा कुछ है, देख सकते हो इसमें टोटल 12 पेंसिल होते हैं और 12 ग्रेड्स के होते हैं, H2H, HB, B2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 10B, जो लास्ट होता है 10B होता है, और मैं 10B को यूज़ करके थोड़ा सा देखा हूँ, काफ़ी ज़्यादा डार्क है यार, मतलब काफ़ी ज़्यादा डार्क है, मतलब बहुत आपको हेल्प करेगा डार्क एरिया को अचीव करने में। तो ये पेंसिल काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और इससे भी मैं ड्रॉ करने वाला हूँ, इससे इसका भी रिव्यू वाला वीडियो आएगा और काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो आप लोग ज़रूर देखना, और फिर आप लोग मुझे बताना भी कि ड्रॉइंग इससे कैसा हो रहा। अब तो ये कुछ है, मैं पेंसिल भी अपग्रेड किया हूँ, क्योंकि यार मैं नॉर्मल पेंसिल यूज करता था, फेवर कैस्टल का, नटराज वगैरह, जो भी अप्सरा वगैरह जो सिंपल मार्केट वगैरह में आते हैं, ऐसे कुछ मैं जो भी मतलब नॉर्मल होता था मैं उसका यूज़ करता था, बट सोचा नहीं यार कुछ ड्रॉइंग मटेरियल्स को अपग्रेड करके देखना चाहिए। अगर आपके पास स्किल्स है तो आपको ड्रॉइंग मटेरियल्स भी अच्छे यूज करना चाहिए, तो फिर आपका और भी ज़्यादा जो स्किल्स है वो बढ़ेगा। तो गाइज, इसलिए मैं सोचा ड्रॉइंग मटेरियल्स को परचेज करता हूँ ये सब, तो थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली है, आप लोग देख लेना प्राइस देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा सारे ड्रॉइंग मटेरियल्स का। तो ये कुछ पेंसिल था मैंने मंगवाया है, ग्रेफाइट पेंसिल, तो ये कुछ है ब्रूस्टो का। अब आते हैं यार नेक्स्ट, जो चीज़ मैंने परचेज करा है वो है ये, देख सकते हो ये है चारकोल है, विलो चारकोल है, इसका मैं दिखा देता हूँ अंदर का, तो देख सकते हो अंदर में कुछ ऐसा है, तो ये कुछ चारकोल मैंने मंगवाया, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ चारकोल से भी मैं ड्रॉ करूँगा, डायरेक्ट ड्रॉ करूँगा, तो उसका भी वीडियो आने वाला है, सारा चीज़ का वीडियो आने वाला है। तो काफ़ी अच्छा है यार, काफ़ी मैं इस चारकोल परचेज करना चाह रहा था, बहुत दिन से मैं परचेज करना चाह रहा था, और इससे आर्टवर्क भी ड्रॉ करना चाह रहा था, तो कुछ ऐसा इससे भी करके देखा जाएगा, और कैसा ड्रॉ होता है कैसा नहीं होता ये आप लोग को आने वाली वीडियो में पता चलेगा। तो ये कुछ था,
आप लोग अगर चाहो तो आप लोग भी परचेज कर सकते हो। सो अब जो नेक्स्ट ड्रॉइंग मटेरियल्स हैं वो है, देख सकते हो ये टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर। तो ये मैंने परचेज करा यार, बहुत ज़्यादा मुझे इसकी नीड थी, बहुत ज़्यादा मैं चाह रहा था कि इसे परचेज करूँ, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। कोई भी इरेजर को मैं कट करके ही उससे कर रहा था, मेरे पास कोई भी लाइक हाईलाइट देने के लिए कुछ नहीं था यार। तो मैं सिंपली यार ये जो इरेजर होता है इसे ही मैं कट करके इसका जो जो देख सकते हो जो कॉर्नर होता है उसी का मैं यूज करके छोटे छोटे पार्ट जो होते हैं जहाँ पे हाईलाइट वगैरह देना होता है छोटे एरिया में, तो मैं इसी का यूज करता था। काफ़ी मुश्किल होता था बट अब नहीं होगा, क्योंकि यार इसे मैंने परचेज कर लिया टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर विथ एक्स्ट्रा रिफिल्स जो कि 2 refills हैं। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है और काफ़ी आप देख सकते हो, आप देखना आप लोग काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी मेरे आर्टवर्क में। तो ये कुछ है। और अब जो नेक्स्ट ड्रॉइंग मटेरियल्स मैंने परचेज करा है वो है देख सकते हो ये, जो कि मैं इसे भी बहुत दिन से मैं परचेज करना चाह रहा था यार, जेली रोल पेन है। तो ये कुछ है, हाईलाइट देने के लिए काफी अच्छी होती है यार, तो मैं इसे परचेज किया हूं। तो ऐसा कुछ है, ये है सकुरा का है। तो आप लोग काफी नाम सुने होंगे इस पेन के बारे में, तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है यार, काफ़ी आर्टिस्ट इसे यूज करते हैं, तो इसलिए मैंने भी परचेज करा है, जो कि देख सकते हो 0.08 का है, 10 का है और 5 की है। तो 5 वाली थोड़ी सी जो पतली होगी, और फिर उसके बाद मीडियम में 0.8 होगा, और जो सबसे ज़्यादा जो हार्ड वाला होगा वो 10 का होगा। तो ये फिर ये कुछ है, और इसका आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो हाईलाइट देने में, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। और आप देखना आप लोग मेरे आर्टवर्क को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, और काफ़ी मैं हाइपर रियलिस्टिक वाला आर्टवर्क भी ड्रॉ करने वाला हूँ, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है अब से। सो गाइस जो अब नेक्स्ट ड्रॉइंग मटेरियल है वो है देख सकते हो ये ब्रूस्टो का आर्टिस्ट एक फिक्सेटिव स्प्रे फॉर पेस्टल चारकोल एंड पेंसिल। तो ये 400 ml का है, तो काफ़ी बड़ा है यार। और जो मैं पहले यूज करता था ये वाला यूज करता था फिक्सेटिव स्प्रे, जो 250 ml की होती थी, 250 rupees की होती थी और 200 ml की होती थी। बट अब मैं इसको भी अपग्रेड कर रहा हूँ, जो कि 400 ml का है, और प्लस में ये काफ़ी बड़ी है और काफ़ी अच्छी लग रही है, और काफ़ी बड़े बड़े आर्टिस्ट को यूज करते हैं, इसलिए मैंने परचेज करा है। और इसके अंदर में कुछ आवाज़ आ रही होगी आपको, ये भी कुछ है इससे फेंटने के लिए यार, और आप लोग अच्छे से फिर स्प्रे वगैरह कर सकते हो इससे। तो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा दिन तक चलेगा, और मैं इसका यूज करूँगा वो उस वाले ड्राइंग पे जो मतलब काफ़ी ज़्यादा हाइपर रियलिस्टिक बनाओ, या फिर ज़्यादा जिसमें मेरा मेहनत लगाओ, तो उसमें मैं यूज करूँगा। तो ऐसा कुछ है, और कुछ इतना ही ड्राइंग मटेरियल्स था। और जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, आप लोग परचेज करना चाहो तो कर लेना, काफ़ी अच्छी ड्राइंग मटेरियल्स है, और ये मतलब जो जिनकी भी स्किल्स और जिनकी भी ड्राइंग अच्छी है उनके पास ये सब रहना होना चाहिए। तो आप लोग अगर चाहो तो परचेज कर सकते हो, अगर एफोर्डेबल हो तो, अदरवाइज आप नॉर्मल वाला ही यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल पेपर वगैरह। तो ऐसा कुछ है, और आप देख सकते हो अब जो अगली वीडियोस वगैरह आएगी उसमें सारी मैं ड्राइंग मटेरियल्स को यूज़ करने वाला हूँ। सो गाइज यार आप लोग देख के बताना कि मेरी जो आर्टवर्क है वो इम्प्रूव हो रही या नहीं हो रही, क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा बहुत ही अच्छे अच्छे मैं ड्राइंग मटेरियल्स परचेज कर रहा हूँ। तो देखना यार आप लोग को काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टवर्क्स आप देखने को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ वगैरह में। तो अभी के लिए इतना यार, आई होप कि ये वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिला होगा, और आप लोग भी अगर चाहो तो परचेज कर सकते हो। तो गाइज मिलता हूँ यार आप लोगों से के लिए और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। अभी के लिए बाय एंड टेक केयर।